भगवान की मूर्ति तो पॉजिटिव ही होती है, अगर मैं उनको किसी भी डायरेक्शन में रख दूं तो क्या वो पॉजिटिव ही दिखाएगा स्कैनर, या वो दिखाएगा कि नहीं ये सही डायरेक्शन में नहीं है? अगर हम छोटा सा मंदिर बनाते हैं जो डायरेक्शन है वो माना गई है, क्योंकि वो क्लियरिटी की दिशा है। हमारे स्टूडियो में भी वास्तु दोष है, इतने सारे वास्तु के एपिसोड करने के बावजूद भी सॉल्ट रखा हुआ है। हाँ जी, ये आपके लिए यहाँ पर ठीक है या नहीं है, तो ये एनर्जी बता रही है नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कामधेनु गाय की एनर्जी बिल्कुल जीरो है। अब जहाँ से आपने कामधेनु गाय को हटाया है, हाँ, वहाँ की एनर्जी को हम चेक करते हैं। सर एक छोटा सा इक्विपमेंट आता है हमारे पास, पहले मैं यहाँ की एनर्जी को आपको दिखा रहा हूँ। जी ये देख, लगभग 80% है। इसको अगर आप लगाएंगे, रखेंगे, कहाँ पे रखें? ये यहाँ पर। ये इक्विपमेंट को भी थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। ओ, रखते ही पड़ गया, रखते ही पड़े। इसके अंदर हमारी 10 साल की मेहनत है, इसके अंदर हमारे सीक्रेट्स हैं, इसके अंदर यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ है, और एक ऐसे पर्सन का हम हाथ लगवाते हैं जिसको हम स्पेशल बुलाते हैं। सर आपके घर में आपके खुद की फोटो, आपकी वाइफ की फोटो, आपके बच्चों की फोटो अगर आपने रखी है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी एनहांस होगी। फोटो को लगा दिया तो इसका मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। पितृदोष किसका है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और पितृदोष होता है तो उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट है? अपोजिट डायरेक्शन में आपने शिव जी रखे हैं तो यहाँ पर कितना परसेंट वो पॉजिटिव है वो चेक करते हैं। जीरो। शिव जी को आपने नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। यहीं पे रखें अभी। देखिए नंदी जी के साथ में भी शिव जी हमारे नहीं सूट कर रहे हैं, तो मंदिर में ही हम रखने की कोशिश करते हैं। जय माँ का। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हम कुछ नया करने वाले हैं। आपने देखा होगा सारे पॉडकास्टर्स को एक जगह पे बैठ के पॉडकास्ट करते हुए, पर सिर्फ अडॉन टॉक्स है जो इतिहास बनाता है। तो अडॉन टॉक्स ने पहले बहुत सारे एपिसोड मंदिरों में जाके करे हैं, नाव पे बैठ के करे हैं, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हमारा खुद का स्टूडियो। आज के जो गेस्ट हैं, जब वो अडॉन टॉक्स के स्टूडियो में आए तो आते ही उन्होंने कहा कि यहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, पर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत आपको नेगेटिव चीज़ें दे देंगे, वास्तु दोष दे देंगे। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे स्टूडियो में भी वास्तु दोष है, इतने सारे वास्तु के एपिसोड करने के बावजूद भी। तो आज आपको स्टूडियो भी देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छा वास्तु का पॉडकास्ट भी देखने को मिलेगा, एनर्जीज कैसे काम करती हैं और ऑरा स्कैनर कैसे आपकी हेल्प करता है उन एनर्जीज को समझने के लिए। तो चलते हैं स्टूडियो के अंदर और मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हेलो सर, वेलकम टू अडॉन टॉक्स। बहुत सारे गेस्ट आए पर इस सोफे पे भी सब बैठे पर कभी भी कैमरा पे नहीं आए, तो आज आप पहले हो जो हमारे स्टूडियो में, पूरा आज स्टूडियो भी दिखेगा और आप स्टूडियोज में एनर्जी कहाँ पे क्या बैलेंस है, इम्बैलेंस है, हम चाह रहे हैं कि वो भी आप बताएं। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि क्या है, और उससे पहले आप बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं कि जो लोग नए देख रहे हैं चैनल पर आपको वो जान जाए आपको। देखिए मेरा नाम है आचार्य योगेश केशवानी और मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। जी, सबसे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, उसके बाद मैंने लाल किताब कृष्णमूर्ति पद्धति सीखी और उसके बाद वास्तु सीखा और ऑरा स्कैनर को हमने काफ़ी अच्छे लेवल तक डेवलप करा। तो जो ऑरा स्कैनर है ये आपकी ह्यूमन बॉडी को भी चेक कर सकता है जी, ये आपके ऑफिस की ऑरा को भी चेक कर सकता है, आपके फैक्ट्री की ऑरा को चेक कर सकता है। ऑरा में होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जी, दो पैनल होते हैं हमारे। पॉजिटिव एनर्जी को हमारे को बढ़ा करके रखना होता है और नेगेटिव एनर्जी को हमारे को डाउन रखना होता है। ओके, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव एनर्जी किस चीज़ से बढ़ रही है या किस चीज़ से घट रही है? उसके लिए हमारे ऑरा स्कैनर है। ऑरा स्कैनर बेसिकली जो काम करता है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। ओके, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही हमारे घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। राइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑब्जेक्ट रखने से प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। ओके, कुछ भी रखो कुछ भी हटाओ, कुछ भी रखो कुछ भी हटाओ, या तो वो 5 एलिमेंट के ऊपर काम करता है या 16 डायरेक्शन के ऊपर काम करता है। जी, तो जैसे भी मैं आपके ऑफिस में अंदर एंटर हुआ तो अभी मैंने आपको ऑफिस जहाँ पर आप बैठते हैं बॉस की सिटिंग जो है वो नहीं देखी है जी, लेकिन मैंने 2-3 चीज़ों को नोटिस करा है। जैसे आपने कामधेनु गाय, राइट, वो आपने गलत रखी है। अच्छा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? वो इस ऑरा स्कैनर के थ्रू पता चलेगा।
ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप दिखाइए कि ऑरा स्कैनर चलता कैसे, उसके बाद फिर हम काम दिनू गाय और पूरे ऑफिस में छोटे छोटे एलिमेंट्स जहाँ पे हैं जो हो सकते हैं हम करेंगे। देखिए सर, इसमें ना काफ़ी सारे सैंपल्स होते हैं। जो सैंपल्स हैं इसका मतलब ये है कि एक ये मीडिएटर के बीच के लिए काम करते हैं, मीडिएटर है जो कि आपकी ऑरा, पर्सन की ऑरा या प्लेस की ऑरा जी को रिलेट करता है इस स्कैनर से। देखिए पहले मैंने जैसे बताया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे ये हमारा ऑरा स्कैनर काम करता है, राइट। तो ये जो स्कैनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे है और आपके यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो अलग अलग तरीके की मिल रही है, वो कोई पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव भी है। ओके, वो आपकी डायरेक्शन के हिसाब से भी है, वो आपके मंदिर की भी है, वो आपके सोफे की भी है, सब चीज़ों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि एक भगवान की मूर्ति तो पॉजिटिव ही होती है, अगर मैं उनको किसी भी डायरेक्शन में रख दूँ तो क्या वो पॉजिटिव ही दिखाएगा स्कैनर, या वो दिखाएगा कि नहीं ये सही डायरेक्शन में नहीं है, ये सही जगह पे होनी चाहिए? देखिए एज पर वास्तु जो हमारा मंदिर होना चाहिए घर में, अगर हम छोटा सा मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट माना गई है क्योंकि वो क्लियरिटी की दिशा है, राइट। अगर आपने वो साउथ वेस्ट में कर दिया मंदिर तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ओके, या वेस्ट में आपने रख दिया मंदिर वो गलत हो जाएगा। तो वेस्ट में बड़े बड़े मंदिर आपको देखने को मिलेंगे लेकिन घर का जो छोटा मंदिर होता है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में ही रखना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसा है हमारे यहाँ का वास्तु की एनर्जीज क्या है? देखिए सर, कुछ तो मेरे को पॉइंट्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिसके कारण आपका वास्तु थोड़ा सा खराब है। तो सबसे पहले हम यहाँ की वाइब्रेशन को चेक करते हैं तो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को हमारे को पता चलेगा जी। तो उसके लिए हमारा जो ये ऑरा स्कैनर है बहुत जल्दी आपकी हेल्प कर सकता है, जिसमें पॉजिटिव का हमने आपको सैंपल लगाया हुआ है, पॉजिटिव का आप सैंपल देख रहे हैं। और ये जो मैं अभी हाथ से चला के दिखा रहा हूँ, अगर ये 180 डिग्री पे चला गया जी तो इसका मतलब यस 100% है, ये पूरा खुल जाए, पूरा खुल गया 100% है। और अगर ये 50% खुला, 90 डिग्री में खुला तो ये 90%। ये अभी आप थंब से कर रहे हो कि ऑफ है? ये मैं अभी थंब से करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज क्या है जी। इसको चलाने का एक नियम है कि आपको 90 डिग्री से 85 पे रखना होता है जी, और इसको ऑन करना होता है। आप जब इसको ऑन करेंगे तो जो इसमें आपने आगे सैंपल लगाया है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो ये मशीन पैदा करेगी लेकिन ये जो सैंपल आप लगा रहे हैं वो आपको बताएगा कि आप क्या चीज डायग्नोस कर रहे हैं। ओके, अब जैसे मैंने आप यहाँ सैंपल्स में क्या होता है सर? सैंपल्स में पॉजिटिव एनर्जी में तो होता है हमारा स्वास्तिक सीधा, ओके, और नेगेटिव एनर्जी में होता है स्वास्तिक सीधा, स्वास्तिक उल्टा, रिवर्स। ये एक सिंबल है, राइट, जो कि हमारे को बताते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से एनहांस होती है, नेगेटिव एनर्जी किस तरीके से डाउन होती है। स्वास्तिक सीधा अगर है तो वो पॉजिटिव है और स्वास्तिक उल्टा है तो वो नेगेटिव है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपकी ऑरा से स्कैन करूं तो संतान योग, तो संतान योग में हमने एक बच्चे की फोटो को लगाया। अच्छा, सेवन चक्रास की अगर हम बात करते हैं तो सेवन चक्रास के अलग अलग सिंबल हैं, क्राउन चक्रा का अलग सिंबल है, मूलाधार चक्रा का अलग सिंबल है। वो सिंबल जो है वो आपकी ऑरा और ये स्कैनर के बीच में एक रिलेशन बनाता है और हमारे को बताता है कि वो आपका चक्रा ठीक भी है या नहीं। सर, इसमें आपने बहुत सारे ऊपर लिखे हुए हैं, जेल और ये बेल और ये सारे, सर जेल और बेल का ये है कि अगर आपको जेल होगी या नहीं होगी। अच्छा, अगर आप जेल के अंदर हैं तो आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, केस चल रहा है, कुछ केस चल रहा है तो आप जैसे पता लग सकता है कि लाइफ में कभी जेल होगी या नहीं होगी। बिल्कुल सर, ये जो आपको एनर्जी बताता है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ टाइम की बताता है कि आपको जेल जाने का योग है या नहीं है। चलो, ये ड्यूरेशन भी आपको पता चल जाता है कि कब किस ड्यूरेशन में आप जाएंगे, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये जो हमारा स्कैनर है ये हमारी कुंडली का ही एक रूप है। अच्छा, ओके, जिस तरीके से हमारा जन्म होता है तो जन्म के तीन कंडीशन है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गर्भ से निकलना एक पॉइंट होता है, नाल का कटना दूसरा पॉइंट होता है, और तीसरा जो है वो श्वास लेना होता है। जब हम पहली बार श्वास लेते हैं तो हमारी ऑरा जागृत हो जाती है, उससे पहले ऑरा जागृत नहीं होती है। तो जब ऑरा जागृत होती है तो हमारे फिंगरप्रिंट बन जाते हैं, तो जो हमारी फिंगरप्रिंट है, जो हमारे पामिस्ट्री है और जो हमारी ऑरा है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सो मतलब हम स्कैनर से और इसकी मदद से पूरे एक इंसान के ग्रह कहाँ पे हैं, क्या दोष दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, सब पता कर सकते। बिल्कुल सर, देखिए कुंडली देखने के 10 तरीके हैं, राइट, ऑरा देखने का एक ही तरीका है। ओके, ऑरा में आपने सैंपल लगाना है, कुंडली में अगर आप मेरे पास आए हो तो मेरे को आपने संतान योग बताया है तो मेरे को पंचम भाव देखना है।
पंचभाव का मालिक कहाँ पर बैठा है वो देखना है, और यहाँ पर क्या करना है, मैंने सिर्फ संतान योग का सैंपल लगाना है जी, और आपको एक मिनट के अंदर आपको मैं बता सकता हूँ कि संतान योग है या नहीं है। वाओ, चलिए आप पहले स्टूडियो का बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को हम देखते हैं जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे तो 100% है, और अगर कम गए तो फिर कम आपके यहाँ की एनर्जी है। अभी आप देख रहे हैं ये लगभग 70% एक दूसरे से दूर गए, हाँ 100% नहीं है, तो इसका मतलब आपके यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी एनहांस करने के हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम लेफ्ट राइट करके बिना तोड़फोड़ की रेमेडी के हिसाब से कर सकते हैं। ओके, सो अब सपोज जैसे यहाँ पे ये सोफा पड़ा है, जी सर, उधर एक सोफा पड़ा है, यहाँ पे टेबल है, उधर वो कामधेनु गाय और वहाँ पे थोड़े शोपीस हैं और उधर मंदिर है, तो ये सब यहाँ पे पहले नहीं थे, तो यहाँ की मैं मान के चलूँ कि एनर्जी 100 होगी। जी बिल्कुल, और जैसे जैसे हम एलिमेंट्स ऐड करते गए कि हमने वहाँ घड़ी लगा दी, वहाँ बांके बिहारी की फोटो लगा दी, वहाँ पे हमने कोई शो पीस रख दिया, तो उससे हमारी एनर्जी ऊपर नीचे होती गई, प्लस माइनस होगी होगी। तो अगर हमारे को पूरी 100 रखनी है तो हमारे को वो चेक करनी पड़ेगी जी, तो हम करें चेक। जी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट को आपको या तो सही डायरेक्शन में रखना है या कुछ रेमेडीज हमारी होती है वो हम आपको बताएंगे आगे कि वो रेमेडीज करके भी आप अपने यहाँ की ऑरा को एनहांस कर सकते हैं। सपोजिंगली कि मेरा घर का इंटीरियर ऐसा है कि मैं सोफा यहीं रख सकता हूँ और कहीं नहीं रख सकता, पर यहाँ पे सोफा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे मेरी 10-20% एनर्जी डाउन हो रही है, तो फिर आप मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दोगे कि आप यहाँ पे ये रखो, सपोज जैसे आपने मेरे को रॉड बताया था कुछ बताया जी जी, तो उससे वापस से 100 हो जाएगा। बिल्कुल, ओके, तो क्या हम ये कर सकते हैं लाइव? तो सर सबसे पहले जो हमारा इसको वास्तु को करने का सिस्टम है उसमें हम सबसे पहले एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो आइए आपकी एंट्री देखते हैं। चलिए, ज़्यादा बड़ा ऑफिस तो नहीं है हमारा, बट जितना है आपके सामने आप बताइए क्या करना है, कैसे क्या। तो सर जो हमारा वास्तु करने का नियम है उसमें सबसे पहले हम एंट्री को देखते हैं जी, तो जो आपकी एंट्री है मैं अभी डायरेक्शन नहीं देख रहा हूँ, यहाँ की पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये गेट कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले हमने ये स्कैनर लिया और स्कैनर ले करके हम ये चेक कर रहे हैं। हाँ जी, तो लगभग 50% आपके गेट की एनर्जी आ रही है पॉजिटिव। ओके, उसके साथ में आपने ये एक सॉल्ट रखा हुआ है, हाँ जी, ये आपके लिए यहाँ पर ठीक है या नहीं है, तो ये एनर्जी बता रही है नहीं, ये नहीं गलत है। ओके, तो मैं हटा के देखूँ? बिल्कुल, आप हटाइए इसको। ओके, सो ये यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन के लिए सही नहीं है। इस प्लेस की, सिर्फ इस प्लेस की हमारी एनर्जी बढ़ गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आपने ये जो काम धेनु गाय रखी है जी, तो ये ठीक है या नहीं? देखिए, अभी आप ये जो रॉक सॉल्ट है उसका हटा करके रखिए। अच्छा, साइड में कर दीजिए, ये मैं हटवा दूं? जी जी। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काम धेनु गाय की एनर्जी बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पे कोई फ्रूटफुल नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। जो कामधेनु गाय का जो आपको मिलना चाहिए था, एट्रीब्यूट मिलना चाहिए था कि इसको रखने से हमारे को ये चीज़ मिलेगी, लेकिन आपने डायरेक्शन गलत चूज़ कर ली, तो जो चीज़ आपको मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। तो इसी को ही अगर हम किसी और डायरेक्शन में रखें तो वहाँ की एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये उस जगह पर रखने लायक जगह मतलब चीज़ है, अदरवाइज नहीं। जो हम ये चेक कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी है, कितने परसेंट? सर 0% एनर्जी। अच्छा, इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये 0% एनर्जी दिखा रहा है। और यहीं पर ही अगर हम आपके दरवाजे की तरफ आ गए, अब जो आपने साल्ट रखा था उसको हटाने के बाद यहाँ की एनर्जी 60 हो गई, थोड़ा सा और तो, खुला। हाँ, 10% आपकी एनर्जी बढ़ गई है। तो अब अगर ये कहाँ रखनी चाहिए? ये आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर आपका मंदिर है, मंदिर के आसपास रखिए, उस साइड पे। जी बिल्कुल, तो आप करते लाइव रखते हैं। इसमें मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको जी, कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी जीरो है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आप स्कैनर को देखेंगे धीरे धीरे खुलेगा, जो कि आप लाइव टेस्ट देख सकते हैं। आइए, चलिए चलिए, इसके सामने से आपको चलना है। ओके, तो मैं स्लो करता हूँ, दोनों कैमरामैन जो हमें रिकॉर्ड करें देखते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि आई वांट दिस लाइव, ये दिखना चाहिए।
तो मैं ये यहाँ पे रख रहा हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है मंदिर के पास? बिल्कुल सर। तो अब कैसा हो रहा है? एक मिनट, मेरे को उधर आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। जी अभी 70% तक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। अब हम सिर्फ कामधेनु गाय को ही चेक कर रहे हैं। वाह, अभी 100% हो गया। इस डायरेक्शन पे आपने जो कामधेनु गाय को रखा है, कपिला गाय को रखा है, तो यहां से आपको जो भी इस इक्विपमेंट से आपको पावर मिलनी थी, वास्तुदोष ठीक होना था, अब 100% ठीक होगा। तो ये बिना तोड़फोड़ की वास्तु है, जिसको आप देख सकते हैं कि अभी आपने कोई जरा सा चेंजेस करा है जी। तो पॉजिटिव एनर्जी वहां की कितनी हो गई है, गेट की कितनी हो गई है, और जहां पर आपने कपिला गाय रखी है वहां की एनर्जी कितना परसेंट हो गई? अब हमने वहां से 3-4 एलिमेंट यहाँ रखे जी, और जो नहीं सही थे वो हटा दिए, बिल्कुल इस ड्राइंग रूम से हटा दिए। बिल्कुल। अब पूरे स्टूडियो की एनर्जी कितनी बढ़ गई होगी वो चेक कर लेते हैं, या कम हुई होगी? तो उसके लिए हमारे को सेंटर पॉइंट में आना पड़ता है जी। हाँ जी, आपके ब्रह्म स्थान पे लगभग हम आ गए। वाओ, अब आप पहले की एनर्जी को देख सकते हैं और अब की एनर्जी को देख सकते हैं, कितना परसेंट फर्क आया है। राइट। अब जहां से आपने कामधेनु गाय को हटाया है हाँ, वहां की एनर्जी को हम चेक करते हैं जी। उसकी एनर्जी को चेक करते हैं। डोर जो है आपका लगभग 80% ठीक हो गया। सो अब थोड़ा की जो पूरे ऑफिस की आपकी जो एनर्जी है, जहाँ पर हम खड़े हैं इस टाइम, तो वहाँ की एनर्जी लगभग 80% हो गई है। उसका कारण ये है कि आपका मंदिर बहुत बढ़िया जगह है, आपकी जो एंट्री है वो काफ़ी ठीक है, जो चीज़ गलत थी आपने उसको हटा दिया, उसको चेंज कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये 80 से 100 हो जाए हाँ, तो उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट आते हैं। ओके। वो इक्विपमेंट हम प्लेस करेंगे तो जो एनर्जी है वो 80 से 100 हो सकती है। ओके। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम आएगी। क्या चीज़ प्रॉब्लम? आपको ये फेस करनी पड़ेगी कि कोई कस्टमर आपके पास 15 मिनट के लिए आया है तो वो आधे घंटे में जाएगा, 1 घंटे के लिए आया तो 2 घंटे में जाएगा। ओके। और अगर आप पानी भी नहीं पूछेंगे ना हाँ, तो वो कहेगा मेरे को, मतलब आपसे पानी मांगेगा बिना, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैं ज्यादा देर बैठेगा नहीं, इससे मैं ज्यादा बहुत परेशान हूँ। हाँ। मेरे पास कस्टमर आता है हाँ, मेरे ऑफिस की एनर्जी 100% है हाँ, मेरे को लगता है कि वो 15 मिनट में जाएगा जी, लेकिन वो आधे घंटे तक भी उठता नहीं है। तो बेसिकली हमारे लिए तो अच्छा है कि ज्यादा कंटेंट मिलेगा। बिल्कुल सर, देखिए कंटेंट बढ़ते हैं, लोग बाग सेटिस्फाई होते हैं जी। अगर आपके यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा अच्छी होगी तो लोग बाग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे कि यस, हमारे को इस व्यक्ति के साथ जुड़ना है, ये काम करना है, तो वो सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव ही होती है। सो कैसे करें हम पूरे स्टूडियो की वाइब से इधर की एनर्जी 100%? सर, एक छोटा सा इक्विपमेंट आता है हमारे पास जी, इसको अगर आप लगाएंगे, रखेंगे कहाँ पे रखें? ये यहाँ पर, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ जी, पहले मैं यहाँ की एनर्जी को आपको दिखा रहा हूँ जी, जी। ये देख, लगभग 80% है। राइट। अब रखते हैं इसको। ये इक्विपमेंट को भी थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। ओ, रखते ही पड़ गया। रखते ही पड़ गया हाँ। अब इसके पास में मैं आऊंगा। अभी 100 हो गई। ये मैं देखूँ टच करके? बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या होता है? ऐसा सर, इसके अंदर हमारी 10 साल की मेहनत है, इसके अंदर हमारे सीक्रेट्स है, इसके अंदर यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ है। और एक ऐसे पर्सन का हम हाथ लगवाते हैं जिसको हम स्पेशल बुलाते हैं जी, वो आता है, सब चीज़ों को मिक्स करता है, उसके बाद फिर हम इसको फिल करते हैं। ओके। बहुत सारे लोगों ने इसकी कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन जो एनर्जी हम देते हैं दूसरा कोई नहीं दे पाया। सो इसमें आप
पूरी तरीके से इसको चार्ज किया जाता है, एनर्जी डाली जाती है, तंत्र मंत्र सब कुछ बिल्कुल, और बिल्कुल प्योर होता है। इसका कारण है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। ओके, तो मैं खुद बनाता हूँ। हाँ। और खुद मुझे पता है कि किस चीज़ को डालने से एनर्जी बढ़ेगी, किस चीज़ से कम होगी। सो अगर ये लोगों को खरीदना हो तो आपकी वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल है, और वो अगर किसी को स्कैनर लेने का मन हो तो वो भी हमसे परचेस कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। सो वो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको पीछे टीम वाले दिख रहे हैं, टीम मेंबर्स दिख रहे हैं, तो कमेंट्स में हाय उनको भी लिख देना, क्योंकि वो भी बड़े एक्साइटेड थे देखने के लिए कि कैसे स्कैनर काम करता है। सो अभी और ये पूरी एक शेल्फ है जहाँ पे कुछ कुछ छोटा छोटा सामान रखा है, तो एक बार उधर भी आप देखिए कि क्या है यहाँ पे एनर्जीज। अभी मैं ये नहीं रखूँगा यहाँ, नहीं नहीं अभी आपको नहीं रखना। अगर यहाँ पर जो भी सामान आपने रखा है अगर वो ठीक होगा तो ये परसेंटेज में बताएगा आपको स्कैनर। ओके, उतना परसेंट खुल जाएगा। अभी 100% है, चीज परफेक्ट है, क्योंकि आपने जो बुद्धा बुद्धदेव है ये हमारे पितर नहीं है, सॉरी ये हमारे पितर है, ये हमारे ईश्वर नहीं है। हाँ, ओके, इन्होंने जन्म लिया है। तो जो इन्होंने जन्म लिया है उसके कारण इनके अंदर एक मतलब ह्यूमन बॉडी में इन्होंने हमारे हमारे को दिखाई दी है। तो ये हमारे पितर हो गए, और पितरों की दिशा जो है वो साउथ वेस्ट है। आपने जो इनको लगाया होगा वो साउथ वेस्ट में ही लगाया होगा, इसी कारण इनकी एनर्जी मिल रही। इसी तरीके से अगर आपके घर में आपके खुद की फोटो, आपकी वाइफ की फोटो, आपके बच्चों की फोटो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रखी है, लगाई है किसी दीवार पे लगाई है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी एनहांस होगी। और यहीं पर ही आपने अपनी फोटो, अपने बच्चे की फोटो, अपनी वाइफ की फोटो को साउथ वेस्ट में लगा दिया, ओके, आप अलाइव हैं, अभी आप जिंदा हैं। अगर आपने उन साउथ वेस्ट में लगा दिया तो इसका मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। टेक्निकली हमने उनकी बीमारी और उनकी मौत मैनिफेस्ट कर दी। बिल्कुल ऐसा। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है सर वो हमारे पितरों की दिशा है, जो एक्सपायर हमारी, समझ गया, चाहे हमारे पिताजी हैं, चाहे हमारे दादाजी हैं, चाहे हमारी माताजी, जो एक्सपायर हो गए उनके लिए वो जगह है। जी, बहुत सारे यहाँ पे वास्तुशास्त्री आए हैं और उन्होंने बोला कि आपका जब भी कोई आए और आप टेस्ट कराओ तो अपना वॉशरूम कराना। बिल्कुल सर। तो हम इस दर की भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वॉशरूम का गेट है। जी जी, थोड़ा पीछे चले जाएं दोनों कैमरा में। हम पे स्पेस की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, क्योंकि ये ड्राइंग रूम है तो इसलिए आपको बहुत क्लोजअप दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे वॉशरूम की एनर्जी देख सकते हैं। बिल्कुल सर, लाइट खोलते हैं अंदर की। अच्छा, और इसकी रेमेडी भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी आइए। ये टॉयलेट है आपका। जी, इसकी पॉजिटिव एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं। सिर्फ 30% है। ओके, यहाँ पर अगर हम इक्विपमेंट लगाते हैं जो मैंने अभी आपको रॉड दिखाई थी, जी, तब क्या पोजीशन बनेगी? ओके, इसके ऊपर रख दीजिए यहाँ पे था। जी, अब ये 30% से लगभग 70% हो गए। तो इसका मतलब आपकी यहाँ की एनर्जी हमने 40% बढ़ा दी है एक सिर्फ इक्विपमेंट को लगा कर, रॉड लगा के। सो कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि हमें दो रॉड लगानी चाहिए या एक ही लगानी चाहिए? सर, दो रॉड अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो 100 हो जाएगी। देखिए, हमारे को वास्तु में टॉयलेट भी चाहिए। जी, हमारे को वास्तु में अपनी एंट्री भी चाहिए। जी, किचन। जी जी, वास्तु में हमारे को मंदिर भी चाहिए। सब चीजें चाहिए हमारे को, बेडरूम भी चाहिए। चिल्ड्रन बेडरूम की एक अलग एनर्जी है, मास्टर बेडरूम की एक अलग एनर्जी है, और आपके जो गेस्ट बेडरूम है उसकी अलग एनर्जी है। ओके, अगर आपने गेस्ट बेडरूम वाली जगह पे मास्टर को सुला दिया तो मास्टर घर से गायब हो जाएगा। और यहीं पर ही आपने गेस्ट को मास्टर बेडरूम वाले में सुला दिया तो अगर आपका गेस्ट 2 दिन के लिए आया तो 6 दिन में जाएगा। वाओ, चलिए किचन की तरफ चलते हैं। थोड़ी टीम काम कर रही होगी तो बेयर करेंगे कि छोड़ दो छोड़ दो, जब करना होता तब करते नहीं है ये लोग। एक्शन लास्ट में लेते हैं।
यहाँ का बताइए कि यहाँ क्या कैसे है, क्योंकि क्योंकि वास्तु में किचन का बहुत प्रोमिनेंट रोल बताया गया। बिल्कुल। तो देखिए सर, जो डायरेक्शन है मैंने अभी आपकी डायरेक्शन को नहीं देखा, मैंने अभी आपको किचन को देखा है, सिर्फ आंखों से देखा है जी। और मेरे को देखने में ये नजर आ रहा है कि एक तो ये आपने जो रेड कलर करा है ये बहुत बढ़िया है। ओके। आपके जो प्लेटफॉर्म है वो दोनों अलग अलग है, आपका आग्नेय कोण अलग है जी, आपका पानी का अलग है, प्लेटफॉर्म एक नहीं है जी। बट यहाँ की एनर्जी कितना परसेंट है वो डायरेक्शन वाइज आप देखिए, आपने तीन चीजें आपकी किचन में होती है, तीन में से तीनों चीजें ठीक है जी, लेकिन डायरेक्शन अगर डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट होगी तो ये 100% खुल जाएगा। बताइए अभी 60% खुला, तो इसका मतलब आपके यहाँ जो किचन है उसकी डायरेक्शन सही नहीं है। इस पूरे घर की या सिर्फ पूरे घर में किचन की? किचन की हाँ, साउथ ईस्ट नहीं है। ओके। तो यहाँ पर हम रॉड लगा करके देख सकते हैं जी। मैं रॉड लेके आता हूँ। थैंक यू। तो यहीं पर रख दूँ? हाँ, यहाँ पर रखिए। ओके। देखिए एक रॉड रखने से 90% हो गए। गलत डायरेक्शन में भी अगर आपका किचन बना है तो आपको जरूरी नहीं है कि इस किचन को तोड़ना है जी। हम रोड से भी ऑल्टरनेटिव आप हमारे से कर सकते हैं। सारी रॉड में रख लूंगा आपकी जाने नहीं दूंगा आपकी, आपको बिना रॉड के। ओके। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं अगर आपका ये ऑफिस हाँ जी स्टूडियो में आपके कहाँ पर कौन सी चीज रखी है या नहीं रखी है, आपकी बॉस की सिटिंग हाँ वो ठीक है या नहीं? लोग इधर बैठते हैं, आइए तो उधर चलते हैं एक बार। बस मैं टीम को कहता हूँ लाइट्स ले आए, आप आ जाइए, आप और एक कैमरामैन आ जाओ थोड़ा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमें रोकने का मन नहीं है बिल्कुल भी। सो आ जाओ। सो ये यहाँ पे है, ये सेटिंग होती है इधर। अब आप बैठिए इस पे। अच्छा, अब ये आपकी जो पोजीशन बॉस सिटिंग जी, ये उसकी पॉजिटिविटी को चेक कर रहे हैं जी। अब ये 50% है। अब इसमें मैं आपको एक सलाह करूंगा कि आप धीरे धीरे घूमेंगे, जहां पर भी ये 100% आपको दिखा दे मशीन की पॉजिटिविटी 100% आ रही है, तो आपको उस डायरेक्शन की तरफ देख करके अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज है उनको कमांड करेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से आप काम ले सकते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, पहले इधर मुड़ता हूं फिर इधर कहीं मुड़ता हूं। कहीं पर भी एक वाइड एंगल ले लीजिए और एक क्लोज अप ले लीजिए। अभी इसमें आप पहले सामने ही आ जाइए, तो ये पुरानी है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे पहले आप बैठे थे वैसे आ जाइए। अच्छा, मेरे पास ठीक है। अब घूमिए किसी भी डायरेक्शन में और घूमिए और घूमिए और घूमिए। ऐसे बैठ के कैसे बोलूंगा? ये डायरेक्शन जो है आपकी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को यहाँ फेस करना चाहिए, मतलब टेबल को ऐसे कर दूं? इस टेबल को आपको ऐसे करना है, कोई भी कस्टमर आएगा आपका इधर बैठाएं। ओके। आपको इधर बैठना पड़ेगा। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, कोई आपसे डोनेशन मांगने के लिए आ गया जी, उसके दिमाग में है कि मेरे को आपसे 10,000 रुपए लेने हैं जी, लेकिन अगर आपकी पोजीशन ठीक होगी तभी आप उसको 10,000 देंगे। अगर वो आपसे ऊंची जगह पे बैठ गया, जो कि हमारा साउथ होता है जी, साउथ में अगर वो बैठ गया, नॉर्थ में या वेस्ट में अगर आप बैठे हैं तो होगा क्या कि वो सोचिए तो 10,000 पे आएगा लेकिन आपसे 25,000 पे लेकर जाएगा। और अगर मैं ऐसे बैठा होगा तो डोनेशन नहीं लेने आया होगा आपसे, तो मैं ले लूं। फिर आप अपनी लिमिट के हिसाब से देंगे, आप उसके कहने पर नहीं आएंगे। और कोई क्लाइंट आए तो सर, वो क्लाइंट आपको फिर अगर आपने सोचा है कि भैया मेरे को उससे 500 रुपये मिलने चाहिए तो वो 200 रुपये में काम करा के चले जाएगा आपसे। और यहीं पर ही आपकी साउथ की तरफ पीठ है और नॉर्थ की तरफ आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ है वो डाउन हो गया, साउथ में आप बैठे हैं, जो बॉस बैठा है उसकी एनर्जी एनहांस हो गई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, आप 500 रुपये के 500 रुपये पूरे मांगेंगे, भैया 500 रुपये से कम नहीं लूँगा। यहाँ पे टेबल पे शिव जी हैं, शिव परिवार है, तो हम उनकी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही हैं और कैसे मिल रही है हमें। आप इस साइड आ जाइए। हर हर महादेव।
देखिए जीरो है। ओके तो ये किस डायरेक्शन होने चाहिए? आप इस तरफ कर लीजिए। शिव जी को आपको मंदिर में ही रखना पड़ेगा। ओके ये पूरे परिवार को आपको टेबल पे नहीं रखना। यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे सेंटर में भी नहीं। नहीं सर। ओ ये तो दिल दुख गया मेरा। ये आपको टेबल पे नहीं रखना। ओके इनका स्थान मंदिर पे है क्योंकि शिव ही सब कुछ है जी। मेक सेंस। चलिए अब इम्पोर्टेंट जगह पे चलते हैं जहाँ पे सारे शूट होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं। अब वहीं बैठते हैं और वहाँ पे आप मेरे को बताना कि कौन सी साइड पे बैठ के मेरे को पॉडकास्ट करने चाहिए और कौन सी पूरे स्टूडियो की कैसी एनर्जीज हैं। बिल्कुल। सो अब चलते हैं, थोड़ी लाइटिंग वगैरह वापस हमारी जाएंगी। तो यहाँ पे हम एक कट ले रहे हैं छोटा सा और अब आपको स्टूडियो में मिलते हैं जहाँ पे अडॉन टॉक्स के हर पॉडकास्ट में आप देखते हो हमें। सो स्टूडियो में जाने से पहले एक बताऊंगा, आपने सबको देखा पॉडकास्ट में और पूरी टीम से मिले, ये सारे शिव भक्त हैं, महाकाल भक्त हैं और हर जगह आपको टेबल पे शिव जी मिले, मंदिर में शिव जी हैं, हर जगह शिव जी होते हैं। तो यहाँ पे भी हैं और अगर पता ही लग रहा है कि सारी डायरेक्शन में कौन सी जगह पे भगवान जी भी होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो लास्ट हम इनका एक बार चेक करते हैं, उसके बाद हम स्टूडियो की तरफ चलेंगे। बिल्कुल सर, जैसे हमने देखा था कि आपके टेबल पे जो शिव जी रखे थे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये आपके नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर है आपका, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में आपने शिव जी रखे हैं, तो यहाँ पर उनकी क्या पॉजिटिविटी आती है, कितना परसेंट वो पॉजिटिव है जी, वो चेक करते हैं। हाँ जी। जीरो। अच्छा, शिव जी को आपने नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। आप चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो कर लीजिए अगर आप चाहें तो। अभी यहीं पे रखें? अभी जी, अभी रख दीजिए। देखिए नंदी जी के साथ में भी शिव जी हमारे नहीं सूट कर रहे हैं, तो मंदिर में ही हम रखने की कोशिश करते हैं। आप रखिए मंदिर में। जय महाकाल। क्योंकि नंदी जी से पहले शिव जी हैं, सबसे पहले शिव जी जी, तो शिव जी को उनके प्रॉपर स्थान पे हम रखेंगे तभी एनर्जी हमारे को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आज मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि हर जगह पे शिव जी को ऐसे स्थान नहीं दे सकते हैं जी, और उनका जो स्थान है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये गलतियाँ बढ़ती जाती। बिल्कुल, क्योंकि लोग धार्मिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आस्था में आ जाते हैं और फिर भगवान जी को हर जगह रखने लगते हैं, जो कि नहीं सही अभी पता लगा। जी जी। वाह, चलिए अब स्टूडियो की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, आइए 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 सर। सो फाइनली सर, आप अंदर स्टूडियो तक आए, डॉन टॉक्स की चेयर तक आए, सोफे तक आए। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, हमने पूरे स्टूडियो की तो हमने सारी एनर्जीज देखी और एनर्जीज बैलेंस करी काफ़ी हद तक। अब इस रूम की एनर्जी क्या है, क्योंकि सबसे मेन एलिमेंट इस पूरे ऑफिस का, इस पूरे स्टूडियो का, ये है जो हमारा एक्चुअल शूटिंग स्पेस है। तो एक बार हम यहाँ की एनर्जीज देखें कैसी है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी वाले ही सैंपल को हम यूज़ करेंगे। तो इस रूम की पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमारे को मशीन को ऑन करना है और सेम वही प्रोसेस है, 90 से हल्का सा 85 डिग्री पे रखा जी। अभी इस रूम की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बता रहा है, तो लगभग 75% करीब एनर्जी आपकी आ रही है। हो सकता है ये जो आपका कर्टन है इसके कारण प्रॉब्लम हो, या आपकी जो सिटिंग है उसके कारण प्रॉब्लम हो, या पीछे जो आपकी स्क्रीन रखी है उसके कारण भी प्रॉब्लम हो। तो हम इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं कि कर्टन की कितनी परसेंट पोजीशन ठीक है। तो उसके लिए हमारे को कर्टन की तरफ ये स्कैनर को रखना होता है जी,
अभी जितना परसेंट भी कंटेंट ठीक होगा उतना परसेंट हमारे को पता चल जाएगा। अभी ये 50% कंटेंट की पोजीशन दिख रही है, यहाँ पर हम तोड़ फोड़ की जो रेमेडी है उसको यूज कर सकते हैं। okay. उसके लिए जैसे हमने पीछे बाहर रॉड लगाई थी जी, तो उसी तरीके से ये रॉड में कर्टेन के पास में रख रहा हूँ जी। तो ये 50% से अगर ऊपर गया तो इसका मतलब रॉड काम करेगी। ये 100 हो गया ऑलमोस्ट, यस ठीक है। अब यहाँ की एनर्जी को फिर हम दोबारा देखते हैं। ये 100 हो गया, तो बस कर्टेन की वजह से, सिर्फ कर्टेन का कलर, हाँ कलर के कारण आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी जो कि यहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही थी 25% के आसपास। और बिना तोड़फोड़ की आप रेमेडी के लिए हमारी रॉड को यूज कर रहे हैं और रॉड को यूज करते साथ ही यहाँ की एनर्जी एनहांस हो गई। वाओ, अच्छा ये एक बार आप मेरे को ये बताइए जितने भी कैप्सूल्स हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है और ये मेरे पास कैसे हो सकता है? जैसे वो जेल वाला हमने डिस्कस किया था बाहर जी सर, तो क्या मेरे को कभी लाइफ में जेल हो सकती है, ऐसा कुछ पता लग सकता है? देखिए ये एक कोई पॉलिटिशियन थे जी, उनका जेल जाने का योग बनेगा या नहीं बनेगा उसके लिए हमने एक स्पेशल सैंपल बनाए थे किसी कस्टमर के कहने पर। तो मैं ये जेल वाला आपके ऊपर चेक कर रहा हूँ कि आप कभी फ्यूचर में जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये बता रहा है कि आप जेल नहीं जाएंगे। अरे वाह, शुक्र है भगवान का। और क्या क्या इस पे जो हम पता कर सकते हैं सर? जैसे संतान योग, मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आपको संतान है या नहीं है या मैरिज हो गई या नहीं हो गई। नहीं अभी तो नहीं। ये स्कैनर आपको बताएगा कि मैरिज योग आपको है या नहीं। एक्चुअली में क्या है कि हमारी ऑरा है जी, ऑरा को सब कुछ पता है। हाँ तो आपकी बॉडी में मैरिज योग है या नहीं, तो उसके लिए हमारे को मैरिज योग का सैंपल लगाना होता है। और ये भी पता लग जाता है कि कब है? हाँ सर, 1 साल 2 साल वो वाइब्रेशन हमारे को पैदा करनी होती है। तो करके देखें? बिल्कुल सर, चलिए बताइए। सबसे पहले तो मैरिज योग को चेक कर रहे हैं। हाँ तो सर घबराने की कोई बात नहीं है, मैरिज योग तो है। घबराहट हो गई मेरे को कि है। मैं तो सोच रहा था खुला रहो आजाद परिंदा। तो सर इसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि वरुण जी की मैरिज योग 1 साल के अंदर है। तो सर अभी 1 साल अब आज़ादी का है, बच गया। वरुण जी का मैरिज योग 2 साल के अंदर है। तो ये सर 2 साल में 50% खुला है, तो इसका मतलब और टाइम चाहिए हमारे को। ठीक है, शुक्रिया। तो वरुण जी की मैरिज 3 साल के अंदर है। स्टैंप पेपर पे आप लिखवा सकते हैं। अच्छा, 3 साल के अंदर आपकी मैरिज 100% हो जाएगी। 28। इसके बाद संतान योग, संतान योग भी हम चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑरा में, अभी शादी नहीं हुई आपकी, लेकिन आपकी ऑरा में संतान योग है भी या नहीं। ओके, देखते हैं। तो संतान योग के लिए हमने संतान का सैंपल लगाया। इसमें ये पता लगता है बिना मारे की संतान योग? सर संतान योग तो पता चल जाएगा ना, अब मैरिज हो या ना हो। ये भी है, तो फिर ये पता करेंगे कब है संतान। हंड्रेड परसेंट इसका मतलब संतान योग है। तो अब 3 साल में शादी होगी तो 4 साल या 5 साल या 6 साल हम कंफर्म कर सकते हैं आराम से, हमारे को पता चल जाएगा। करिए, वरुण जी को 4 साल में संतान योग है, वरुण जी को 5 साल में संतान योग है। 5 साल, इतनी जल्दी जिंदगी बदलते डर लग रहा है। मैं तो सोच के बैठा था अभी बहुत टाइम है। नहीं सर, 3 साल में आपकी शादी का योग है और 5 साल में आपके संतान का योग है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटीज होती है जहाँ पे लोग जुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं, तो पितृ दोष से बहुत लोगों को दिक्कत रहती है और उनको डर लगता है कि पितृ दोष है हम पे या नहीं है, तो पहले इससे थ्रू पता लग सकते हैं कि क्या पितृदोष है? बिल्कुल सर, जो हमारी पामिस्ट्री है ना जी, उसमें भी पितृदोष पता चलता है। जो हमारी कुंडली है उसमें भी पितृदोष पता चलता है, और सबसे अच्छा हमारा पितृदोष इससे निकलता है। अच्छा, और पितृदोष किसका है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपके दादा का है, परदादा का है, परदादी का है, दादी का है, फिर हम उनके लिए रेमेडी कर सकते हैं। 5 पीढ़ियों तक आप जा सकते हैं। और रेमेडीज, पितृदोष की रेमेडीज तो ऐसी है कि आप करेंगे और तुरंत आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इसमें
मेरा हो सकता है? बिल्कुल सर, सबसे पहले आप ही को चेक करते हैं पितृ दोष में। पितृ दोष तो सर मैं काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स का निकाल चुका हूँ, उनको रेमेडीज जो थी करने के बाद बहुत फायदा हुआ। एस्ट्रोलॉजर्स का ही? एस्ट्रोलॉजर्स की जनरल पब्लिक की तो सर बहुत निकाली है। हाँ। अब ये पितृ दोष में आपका नहीं खुला तो हाँ। इसका मतलब आपके ऊपर पितृ दोष नहीं है। ओके, मेरे घर में किसी पे? सर देखो, आपसे जो नीचे की जनरेशन होगी उसके ऊपर पितृ दोष हो सकता है, आपके ऊपर की जनरेशन में पितृ दोष नहीं होगा। तो मतलब मैं मम्मी पापा बहन उनके किसी के ऊपर नहीं होगा। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। हाँ। वरुण जी के पिताजी के ऊपर पितृ दोष है। एक्चुअली में पितृ दोष होता क्या है, पितृ दोष हमारा ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। हाँ। आपसे जो नीचे की जनरेशन, मतलब अगर मेरे पे होता तो पापा पे होता ही होता। हाँ, आपके फादर के ऊपर होता ही होता। ओके। अगर आपके फादर उस रेमेडी को कर लेते जो भी रेमेडी हमारी निकलती पितृ दोष की, तो आपके ऊपर से अपने आप निकल जाता, पितृ दोष खत्म हो जाता। ओके। और इसमें कौन कौन सी हैं? सर पितृ दोष के अलावा बिजनेस सक्सेस या जॉब सक्सेस, आप बिजनेस करते हैं या जॉब में जाएंगे तो वो हम स्कैन कर सकते हैं। तो अगर मैं जॉब सक्सेस आपकी देखूं, मुझे नहीं पता कि आपने जिंदगी में कभी जॉब करी होगी या नहीं करी होगी। कभी नहीं की। तो ये जॉब का मैंने सैंपल लगाया, चाहा है मैंने एक बार करूं पर हुई नहीं, तो मैं वापस आ गया बिना पैसे लिए उसे, काम तो करके आया था। पर ये देखिए जॉब बिल्कुल जीरो बता रहा है। और सर इसमें जॉब में भी आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपको जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, सेमी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या आप। मेरा बहुत मन है कि मैं बिजनेस करूं, और मैं बिजनेस करूं। सर अभी मैं पहले बिजनेस चेक करूं आपका, फिर उसके बाद आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ बिजनेस सक्सेस का मैंने सैंपल लगाया, अब ये देखिए 100, जॉब 0, बिजनेस 100। अब बताइए आप किस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ बिजनेस भी नहीं, मैं मोर ऑफ एन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल, जो लोग सनातन धर्म से नहीं जुड़े या जानते नहीं हैं, उन तक ये लेके जाऊँ, अपने कल्चर को लेके जाऊँ, अपने सारे मंदिर टेम्पल्स, उनकी सारी लर्निंग्स ब्लेसिंग्स सारी चीज़ें उधर तक लेके जाऊँ। सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं लिमिटेड रहना, मेरे को पूरे ग्लोबली लेके जाना। जैसे कहा जाता है ना कि शिव सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के हैं, ऐसी मैं चाहता हूँ पूरा सनातन धर्म ही पूरे ब्रह्मांड तक पहुँचे। तो यही, और इसी में क्योंकि मैं कर्म योगी हूँ तो मेरे को उसमें कर्म भी करने हैं तो बिजनेस भी बनाना पड़ेगा, तो यही मैं बिजनेस बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप ऑक्यूल्ट साइंस में आना चाहते हैं या रिलीजियस लाइन में आना चाहते हैं? हाँ जी। और यूट्यूब के थ्रू या चैनल के थ्रू? हाँ, चैनल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। या वरुण जी अगर किसी चैनल के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू कोई वीडियोस बना करके सनातन धर्म का प्रचार करे तो कितना प्रतिशत उनके व्यापार के हिसाब से ठीक रहेगा? अब यहाँ पर देखिए 100% है, आपके दोनों काम होंगे, आप पैसा भी कमा सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई। वाओ। सो ये सारी चीजों पे अब हम ऑडियंस का आएगा मन। अच्छा, वो रेड वाली किस चीज की है? ये सर जो वो रेड वाले हैं, ये सर कलर। ओके। कलर या स्टोन। ओके। या प्लेनेट। तो इनसे क्या पता लगता है आपका प्लेनेट कौन सा कितना आपको सपोर्ट कर रहा है? So, ये कैसे? सूर्य कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, चंद्रमा कितना सपोर्ट कर रहा है, मंगल कितना कर रहा है, बुध कितना कर रहा है, गुरु कितना कर रहा है, शुक्र कितना कर रहा है, शनि राहु केतु कितना कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जितना ये खुल जाएगा उतना वो प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके। अगर 40% से नीचे कोई सपोर्ट करता है तो उसका हमारे को जाप करना होता है, उसके हमारे को पूजन करना होता है, उपाय करने होंगे। हाँ, उपाय करना होता है। और अगर 40% से ऊपर कोई हमारा प्लेनेट होता है तो हम उसकी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। उसके लिए आपने देखा होगा जैसे सूर्य के लिए हम रूबी पहनते हैं, चंद्रमा के लिए हम मोती पहनते हैं, मूंगा पहनते हैं, मंगल के लिए, बृहस्पति के लिए हम पुखराज पहनते हैं। तो वो सुटेबल है भी या नहीं, इसका भी हम जो है आपकी ऑरा से पता कर सकते हैं। अब जैसे मैं अभी आपका मरकरी चेक करता हूँ क्योंकि आप बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हैं, तो मरकरी आपके लिए कितना परसेंट सपोर्ट है? अब ये मैं आपका मरकरी चेक कर रहा हूँ, मरकरी कितना सपोर्ट कर रहा है आपको?
तो ये लगभग 70% आपको सपोर्ट कर रहा है। अब आपको व्यापार करना है, व्यापार के लिए हमारे को बुध का सपोर्ट चाहिए होता है जी। तो उसके लिए हमारे पास पन्ना की एक अंगूठी है जी। तो वो मैं आपके हाथ में देता हूँ, तो उससे आपकी एनर्जी एनहांस होती है या डाउन होती है। अच्छा, अगर एनहांस होती है तो आपको पन्ना पहनना है, और अगर नहीं होती है तो आपको नहीं पहनना है। चलिए ठीक है, लाइए। थैंक यू सर। ये है रिंग और मैं ये पहनता हूँ, कौन से कहीं पे भी पहन सकता हूँ? सबसे लास्ट वाली छोटी वाली। ओके, अब यहाँ पर 100 हो गया। ओह वाओ। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको और करके दिखाता हूँ कि किसी और उंगली में आप पहनेंगे, ये जो सबसे लंबी उंगली होती है इस वाली उंगली में अगर आप पहनेंगे तो क्या होगा। ओके, तो अभी आपका 70% से 100% हो गया था, अब एक मिनट उतार दीजिए आप इसको रख। अभी आपकी जो एनर्जी है, अभी आपने किसी और फिंगर में नहीं पहना है तो ये 100% दिखा रहा है। अगर आप पन्ना को किसी गलत उंगली में पहन लेंगे तो क्या होगा? सबसे लंबी उंगली में पहन लीजिए इसको। तो ये स्कैनर आपको बता रहा है कि इस उंगली में पन्ना पहनने से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आपकी ने जो राइट उंगली है, सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है हमारी, इसमें अगर आपने पहना तो वो लोकेशन सही है, उस लोकेशन पे हाँ। आपको 100% एनर्जी देगी। तो फंस गई, लगता नुकसान लिखा ही है। बहुत सारे लोग राहु से डराते हैं पूरी दुनिया को, तो मेरे को ये जानना है कि क्या राहु मेरे लिए नेगेटिव इफेक्ट देता है या पॉजिटिव इफेक्ट देता है, क्योंकि कहा जाता है जो मैं मीडिया लाइन का काम कर रहा हूँ राहु से रिलेटेड है। देखिए सर, राहु अगर आपको सपोर्ट करेगा तो आप एक लाइन है शेयर मार्केट की, एक लाइन है सट्टे की, उसमें आप काम कर सकते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो राहु आपका अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए वो चीज बेकार है, आपको लॉस होगा। अगर आपका राहु स्ट्रांग है तभी आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, डेली ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम राहु को चेक करते हैं। तो राहु आपको 0 बता रहा है। अच्छा, इतना बेकार जी। और मैं आपको शर्तियां बता सकता हूँ, कभी भी आपने शेयर मार्केट में कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करा होगा तो वो आपको नुकसान दे रहा होगा। हुआ है। शनि, शनि सर बिल्कुल सैटर्न जो है वो उससे रिलेटेड है, जो हमारा डीप वर्क हो गया, पेट्रोल पंप अगर आपको लगाना है या आपको कोई खनन का काम करना है या आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि मशीनरी बेस्ड है, फैक्ट्री आपको लगानी है, अगर आपको शनि स्ट्रांग है तभी आप उस काम को कर सकते हैं। और इस वाले इंस्ट्रूमेंट से और स्कैनर से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि नीलम पहनने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। ओके, अब ये आपका जो शनि ग्रह है वो 50% सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू सैफायर होता है, नीलम होता है, उसका सैंपल है, अगर आप इसको पकड़ेंगे हाथ में तो ये आपको बता देगा, ये मशीन बता देगी हमारे को कि ये पेन के फायदा होगा या नुकसान होगा। सर ये 50 से देखिए 0 हो गया, इसका मतलब माइनस में चला गया। तो मेरे को नीलम नहीं पहनना चाहिए? आपको नीलम नहीं पहनना है, आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है। अगर आपने जीवन में कभी फैक्ट्री लगाई तो आपको नुकसान होगा। मून ऐसे तो क्यूरियोसिटी हो जाएगी सारे प्लैनेट जानने की। सर मून देखिए जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मन अभी हमारा यहाँ पर है, 2 मिनट में आप सोचेंगे कि बॉम्बे में मैंने ऑफिस खोला या मैंने दुबई में ऑफिस खोला, तो आपका मन कहाँ चला गया? दुबई जी। तो मन जो है चंचल, और मन जो है माँ का कारक भी है। चंद्रमा से हमारे को पता चल जाता है कि आपकी अपनी मदर से रिलेशन कैसे है। ओके, अगर चंद्रमा 40% से ऊपर आपको सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब आपके अपनी मदर से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। ओके, अगर 40% से नीचे है तो इसका मतलब आपके अपनी मदर से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। हाँ, तो हमें मून का सैंपल लगाया मोती चंद्रमा का, सर इसका मतलब आपकी अभी शादी नहीं हुई है शायद। हाँ, तो मदर से रिलेशन अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद हो सकता है आपके मदर से रिलेशन बढ़िया नहीं रहे। ओह, और आपको पानी और दूध का काम भी जिंदगी में नहीं करना है। अच्छा, और अगर आपको अपना चंद्रमा ठीक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हॉस्पिटल होता है वहां पर आप जाइए, 200 ml की जो पानी की बॉटल होती है वो जितने मरीज बैठे हैं उनको आप दान कर दीजिए।
या शिव जी पे आपको जल चढ़ाना है। और कौन से प्लैनेट होते हैं इसके अलावा? स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक प्लैनेट होता है, किसका? स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कहा जाता है बृहस्पति ना। हाँ, अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे को बृहस्पति को देखना होता है, उसके लिए हमारे को केतु को देखना होता है। तो बृहस्पति अगर आपका स्ट्रांग है और केतु उसको सपोर्ट कर रहा है तो आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी होगी। नाइन्थ हाउस अगर आपके घर का आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको बृहस्पति भी सपोर्ट कर रहा होगा, तब आप एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बृहस्पति को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, क्योंकि ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान के लिए हमारे को गुरु चाहिए और बृहस्पति जो है हमारा गुरु है। तो गुरु जो ग्रह है उसके लिए हम गुरु का सैंपल लगाते हैं, जुपिटर का सैंपल लगाते हैं और ये मशीन आपको बता देगी कितना परसेंट आपको सपोर्ट कर रहा है जी जुपिटर। उसके लिए फिर हमारे पास ये पुखराज का सैंपल है, जब मैं आपको कहूँगा तब आप इसको पकड़ लीजिएगा हाथ में जी। अब ये 90% आपको सपोर्ट कर रहा है, तो 90% जो है वो 40% से 50% एक्स्ट्रा है जी। बट फिर भी मैं आपको ये सैंपल देता हूँ, कोई सैंपल सपोर्ट में प्लैनेट। अब ये 90 से ऊपर जाता है या नहीं, अभी 100 हो गया। अगर आपको स्पिरिचुअल पावर में जाना है, किसी को गुरु बनाना है, उनसे शिक्षा लेनी है, या 12th की क्लास के बाद की जो हमारी पढ़ाई होती है उसको हम जुपिटर से देखते हैं, बृहस्पति से देखते हैं। 90% आपके जुपिटर की पोजीशन को देख करके मैं बोल सकता हूँ कि 12th क्लास के बाद आप कभी फेल नहीं हुए होंगे। सही बात है। 12th क्लास से पहले हमारे को बुध को देखना होता है। हाँ, वाओ, सही सही बोला आपने एकदम। यहाँ तो जो ऑडियंस रेगुलर व्यूअर्स है वो भी रिलेट करेगी कि उनको पता ही है। वाओ, अच्छा इससे ये भी पता लग सकता है सामने वाला इंसान कैसा है, अच्छा है बुरा है। सर आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, मैं कितना फ्रूटफुल हूँ ऑडियंस के लिए, ये पता लग सकता है? सर ऑडियंस तो काफ़ी लंबी हो गई ना, आपको एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए देख सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। पर मैं चाह रहा था कि एक ऑडियंस को जब लाइव ही सब मिल रहा था ये भी पता लग जाए कि मैं कैसा इंसान हूँ। हाँ सर, आपके अंदर कितनी परसेंट पॉजिटिविटी है, हाँ वो हम चेक कर सकते हैं जनता को लेके, या फिर कि मैं सिर्फ कैमरे के आगे तो नहीं बोलता। नहीं, आप कितने, आप कितना सच्ची बोलते हैं। हाँ हाँ, ऐसा करते ये टेस्ट कर सकते हैं मैं कितने हद तक सच्चा इंसान हूँ या फिर मैं सिर्फ कैमरे के आगे ड्रामे कर रहा हूँ। वरुण जी कितना प्रतिशत सच्चे बोलते हैं? भरोसा हुआ तो इस पर भी करना पड़ेगा। अब तक आपने बाहर समझाया कि ये जो मशीन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम कर रही है, बट आप हर बार जब भी कोई नया सवाल या कोई नया टॉपिक आता है तो हम उसमें कैप्सूल का भी यूज़ करते हो, ये सैंपल्स का यूज़ करते हो, तो ये सैंपल्स कैसे बनाए हैं, क्योंकि लोगों के मन में अब ये आएगा कि ये सैंपल्स क्या हैं। सर देखिए, हमारे जो 9 प्लेनेट हैं उनके 9 सिंबल हैं। ओके, हमने सिंबल को यूज़ करा है, हमारे 7 चक्रास के 7 सिंबल हैं, हमने उनको यूज़ करा है। हमारे 9 प्लेनेट के हिसाब से हमारे 9 कलर्स हैं, जैसे सूर्य के लिए ऑरेंज कलर है, चंद्रमा के लिए सफ़ेद रंग है और आपका बुध के लिए हरा रंग है। तो बुध के लिए हरे रंग को हमने सैंपल बनाया है, हरे रंग का एक पेपर लिया है, उसको हमने इसमें डाला है, वो एक मीडिएटर प्लैनेट का एलिमेंट डाल दिया, एलिमेंट डाला है। ओके, सो तो वो एक तरीके से आपके साथ आपकी ऑरा को कनेक्ट करता है। सो इज इट लाइक कि सपोज ये एक रूम है जो खाली है, जैसे हमने बाहर देखा कि स्टूडियो अगर पूरा खाली होता तो उसका एक एक एनर्जी लेवल होता, फिर उसमें हमने मंदिर लगाया तो वो और प्लस हुआ, फिर हमने कुछ खराब चीज करी तो डाउन हो गया। तो हम कुछ ये लाइव कर सकते हैं इसी स्कैनर के थ्रू कि मैं एक पेपर पे, एक खाली पेपर का हम पहले एनर्जी टेस्ट करें कितना आता है, बिल्कुल, और फिर मैं उस पर कोई भी एक सिंबल बनाता हूँ, बिल्कुल, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल सर, आप कोई भी पेपर यहाँ पर, आप मेरे को पेपर पेन दे दीजिए क्योंकि ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो इस ये पेपर है और इसका अभी क्या एनर्जी फील्ड होगी? सर इसको रख दीजिए स्टूल पे जी, थोड़ा मैं हाथ में पकड़ लूँ क्योंकि फिर वो कैमरे पे नहीं आएगा। अच्छा हाँ, नहीं वो फिर आपकी एनर्जी तो फिर आप वहाँ पे रख लीजिए।
यहाँ पे कैमरे पे आ रहा है। ये देखिए आपने प्लेन पेपर मेरे को दिया है, मैं इसकी एनर्जी को चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी 100 दिखा रही है। ओके, सो अभी इस पेपर की एनर्जी 100 है। 100 है क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं लिखा हमने इसमें। अब नेगेटिव चीज लिखेंगे तो ये नेगेटिव बताएगा, पॉजिटिव चीज लिखेंगे तो पॉजिटिव बताएगा। अब इसमें आपको कुछ लिख दीजिए तो अब इसको अब इसमें आप कुछ नेगेटिव लिख दो। बिल्कुल कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आप, एक मिनट, आप नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए, मैं आंखें बंद कर रहा हूं। ओके, तो अब मैं इस पे कुछ बना देता हूं ड्राइंग, जिससे पता लगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं दिखा देता हूँ कैमरा पे। अब आईस क्लोज रखना, मैं उल्टा रख रहा हूँ पेपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। अब आप चेक करो, स्कैन करो। मैं पेपर की तरफ देखूंगा भी नहीं। ओके, देखिए बिल्कुल जीरो है, तो इसका मतलब जो भी आपने सिंबल बनाया है, आप पेपर हटा लीजिए पहले। ओके, अब यहाँ की जो रूम की एनर्जी है, अब ये उसको चेक कर रहा है। अच्छा, अब ये देखिए 100 आ गया। अब इस पेपर को वैसे ही रख दीजिए जैसे आपने रखा था, नीचे डाल दो। हाँ, अभी पेपर की एनर्जी को चेक कर रहा है और जीरो आ गया। अब हटा दीजिए पेपर और दिखा दीजिए आप जिसको दिखाना। अब एक बार ऐसे ही रखो, मैं इस पर कुछ उल्टी साइड पे कुछ पॉजिटिव बनाता हूँ तो देखते हैं 50 होता नहीं होता। हाँ, है ना। तो कैमरे पे दिखाता हूँ कि पेपर के इस साइड मैंने ये बनाया, तो अब देखते हैं क्या आता है। फिफ्टी, क्योंकि पेपर के आगे पॉजिटिव है और पीछे नेगेटिव है। वो सर आप देखिए क्या बनाया आपने। अब आप देख सकते हो। देखिए एक तरफ तो क्रॉस है और दूसरी तरफ ओम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो एक तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस कर रहा है और दूसरा जो है पॉजिटिव एनर्जी को डाउन कर रहा है, तो 50% का रिजल्ट आया। वाओ, ओके। अच्छा एक सवाल बहुत सारे लोगों का था, मेरा तो पितृदोष नहीं आया, पर बहुत सारी कम्युनिटी में लोगों का पितृदोष होता है, तो उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट है पितृदोष के? सर एक सीक्वेंस है, उसको हमारे को चेक करना होता है। पितृदोष में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जने का है, दो जनों का है, तीन जनों का है, चार जनों का है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेल का है या फीमेल का है। जी, अगर मेल का होता है, फीमेल का होता है, तो ये कैटेगरी वाइज हमारे को बताया था कि एक मेल का है या दो मेल का है, या एक मेल फीमेल का है या दो फीमेल का है। उसके बाद हम देखते हैं दादा का है, परदादा का है, परदादा का है या परदादा का है। जी, तो ये दो तीन हमारे को पीढ़ी पीछे जाने पे पता चल जाता है कि किसका पितृदोष है। पितृदोष को निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे को जिनका पितृदोष होता है उनको खुश करना होता है। ये एक उसी तरीके से है जैसे हम लोग कहते हैं, हर कोई मतलब अगर हम बता दें ना किसी को कि आपके ऊपर पितृदोष है, तो सबका ये सवाल होता है, सबका ये हमसे पूछते हैं जी कि हम तो जो श्राद्ध होते हैं सब करते हैं। हाँ, लेकिन श्राद्ध में आपने करा क्या? आपने पंडित जब आपके घर में आता है तो आपको कहता है कि ज्ञात अज्ञात, नानी की तरफ से, मामा की तरफ से, दादी की तरफ से, दादा की तरफ से, सबको मैं बुला रहा हूँ और सबका पूजन कर रहा हूँ। तो ये हो गया भंडारा करना। एक आपने भंडारा करा, उसको आपने सब में डिवाइड कर दिया। एक होता है स्पेशल किसी गेस्ट को बुलाना और स्पेशल ट्रीटमेंट देना। राइट, तो पितृदोष अगर आपके ऊपर है तो जिनका पितृदोष है उनकी फ्रिक्वेंसी को हम एंगेज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप रोटी खाने से ठीक होंगे, आप 11वें की पूजा कराने से ठीक होंगे, या आप शैया दान करने से ठीक होंगे। तो तीन जो हमारी कैटेगरी है, इसमें पता चल जाता है हमारे को किसी को दो दिन की पूजा कराने से या दो दिन की रोटी निकालने से ठीक हो जाता है, किसी को 11वें की पूजा जो कि हमारे
जो अस्थि प्रवाह है उसके अगले दिन की पूजा होती है, 11वें की पूजा पिंडदान जिसे हम कहते हैं वो कराने से होता है या शैयादान कराने से होता है। इन तीनों का अगर आपने निवारण कर लिया तो पितृदोष आपको दिखाई देगा कि खत्म हो गया। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो उसकी भी पहचान है, बताइए। अगर आपके घर में पितृदोष है तो फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगे। अच्छा, अगर मेल चाइल्ड हो रहा है तो उसको चश्मा बहुत जल्दी उम्र में लग जाएगा। ओके, या जो भी मेल चाइल्ड है वो बीमार ज्यादा रहेगा। 70% तो मैंने ये देखा है कि जिनको भी पितृदोष है उनको फीमेल चाइल्ड ज्यादा है, या मेल चाइल्ड जो हमने देखे हैं उसमें थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस दिखता है कि ये थोड़ा सा भैया मिसबिहेव करता है या एक तरीके से एबनॉर्मल टाइप का कुछ फिशी सा होता है, कुछ गड़बड़ होती है। पितृदोष क्या है जी कि हमारे जीवन में जो सक्सेस मिलनी है वो हमारे को टाइम से नहीं मिलेगी। बंधन दोष में भी हमारे को जो हमारी सक्सेस है वो टाइम से नहीं मिलेगी, वो 2-3 साल हमारे को आगे ले जाएगी। शादियाँ भी नहीं होती उनका, बिल्कुल शादियों की प्रॉब्लम आती है, संतान की प्रॉब्लम आती है। सक्सेस तो हर चीज़ में देखिए हमारे को चाहिए, अगर हमारे को टाइम से प्रमोशन नहीं मिला, टाइम से हमारे को कस्टमर नहीं मिला, अगर आपकी मिठाई की दुकान है अगर आपको टाइम से कस्टमर नहीं मिल रहा है तो वो खराब हो जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा, तो लॉस होगा आपका। तो टाइमिंग अगर आपकी गड़बड़ हो रही है तो आपको चेक कराना चाहिए। आपकी ऑरा से हम बता सकते हैं कि पितृदोष के कारण आपको दिक्कत आ रही है या बंधन दोष के कारण आपको दिक्कत आ रही है। अगर ये सारी चीज़ें भी हैं पर बहुत सारे हमारे चैनल पे लोग परेशान हैं ब्लैक मैजिक नज़र से और कुछ ऊपरी साया या कुछ भी ऐसी अबनॉर्मल चीज़ें जो हो जाती है, तो वो भी इनसे क्या हो पाती है? बिल्कुल सर, बंधन दोष जो होता है ब्लैक मैजिक जिसको हम कहते हैं या नज़र दोष, देखिए नज़र दोष अगर हमारी ऑरा में है तो वो तो मान के चलिए कि हमारे काम का सिर्फ 25% लॉस होता है। ओके, अगर बंधन दोष किसी के ऊपर आ गया तो 60% तक हमने उसकी बिजनेस में लॉसेस देखे हैं। अगर किसी के ऊपर पीवाई आ गया तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, आपकी ऑरा में अगर बंधन दोष होगा तो ये स्कैनर खुल जाएगा, आपकी ऑरा में अगर नज़र दोष होगा तो ये स्कैनर खुल जाएगा, अगर आपके ऊपर पीवाई है या आपके घर में पीवाई है तो ये बंधन दोष, ये जो हमारा स्कैनर है ये खुल जाता है। ओके, जो कि एक इंडिकेशन है कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लिया, उसको ठीक कर दिया, तो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर आप अपने आप को खींचते रहेंगे तो बहुत दिक्कत आती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि 20-20 साल पुराने बंधन दोष लेकर के लोग बाग घूम रहे हैं, सिर्फ उनको संतान है और कोई सुख नहीं है। ओके, क्या ऑडियंस सिर्फ एक बार आप बता दीजिए कि ऑडियंस जितने भी ये सारा उन्होंने समझा और चाहेगी तो कैसे जुड़े आपसे और सारी चीज़ें? सर इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मंगलम वासु दिखाई दे, यूट्यूब पे आपको दिखाई दे, इंस्टाग्राम पे आपको दिखाई दे, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबरों पे आप जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उसका सोल्यूशन हमारे से ले सकते हैं। परफेक्ट सर, वाओ, आज के इस एपिसोड में डॉन टॉक्स के हमने बहुत एक नई चीज़ करी है। पहली बार ये यूट्यूब पे, मैं यही नहीं कहूँगा हमारे चैनल पे, आई डोंट नो ये किसी और यूट्यूबर ने नहीं किया कि पूरा वास्तु उन्होंने लाइव करके दिखाया है, सारी एनर्जी एलिमेंट्स आपने लाइव देखी हैं कि कौन सी डाउन है कौन सी सही है, और मेरे ही स्टूडियो की देखी है। सो थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए। एक आखिरी सवाल मेरा सबसे रहता है कि कैसा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस, कैसा मज़ा आया आपको हमारे साथ? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ मिलकर। मैं तो शायद आपसे पहली बार मिल रहा हूँ जी, लेकिन आपके स्टूडियो में आकर के काफ़ी अच्छा लगा। आपका एक्सपीरियंस मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि आपको भी काफ़ी नॉलेज है जी, तो इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर आने के लिए, और थैंक यू सो मच यहाँ का वास्तु ठीक करने के लिए। थैंक यू।